हेलो दोस्तों, ममता स्टिचिंग ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज मैं आपके लिए ये एक क्रोशिए से बना हुआ थालपोस का डिज़ाइन लेके आई हूँ। आप इसको छोटे से सेंटर टेबल पे, साइड टेबल पे भी रख सकती हैं, या आप थालपोस की तरह भी इसको यूज कर सकती हैं। ये आपके ऊपर है कि आप इसको कहाँ इस्तेमाल करें। ये कॉटन के धागे से बना हुआ बहुत पुराना डिज़ाइन है, जो कि अब धीरे धीरे कट भी रहा है, तो मैं इसको फिर से नया बनाने जा रही हूँ। तो मैं आपको भी इसको शेयर करती हूँ बनाना कि हम इसको कैसे स्टार्ट करें। देखिए, ये बहुत ही महीन काम है, बहुत पहले का है, अब ये कट रहा है। ये देखिए, बहुत महीन है और ये कॉटन का धागा है। अब जो हम इसको बनाएंगे, तो आप इसको जैसा भी चाहें अपने मनपसंद कलर में, या तो आप कॉटन के धागे से बनाइए, या फिर इस तरीके से ये धागे आते हैं, आप इन धागों में भी इसको बना सकती हैं। इस तरीके से ये धागे आते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा स्टार्ट भी किया है, देखिए इस तरीके से, इस कलर में। ये अलग कलर है, स्काई ब्लू, फिरोजी कलर जिसको हम बोलते हैं, ये कलर है। जब मैंने इसको बनाया तो ये देखिए बनने में बहुत सुंदर लग रहा है। तो मैं आपको भी इसको बनाना बताती हूँ, मैं इसको शेयर करती हूँ, हम साथ साथ में इसको फिर से बनाते हैं एक नई डिजाइन नए धागे से। ये थोड़ा सा, ये वाला जो धागा है थोड़ा सा देखिए, ये शाइनिंग वाला धागा होता है, ये एंकर का आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एंकर का धागा आता है। इससे आप इसको बना सकती हैं अपने मनपसंद किसी भी कलर में। आपका मन करे आप वाइट में बनाइए, या आप कोई भी अपने मनपसंद कलर में जैसा आप चाहें इसको बना सकती हैं। तो अब हम इसको चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको लाइट कलर से बना के बताती हूँ कि हम इसको कैसे बनाएं। ये देखिए, ऐसे ये धागा रहता है। इसके लिए आप दो तीन बॉल ले लीजिए, जो भी आपको पसंद हो उस कलर का। ये 10 ग्राम का बॉल है, इससे बड़ा बॉल भी आता है, जिसमें आपका आसानी से ये बन जाए। स्टार्ट हम करेंगे। स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले, ये देखिए इस तरह से पहले धागा फंसा लीजिए। अब हम 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 चेन मैंने लिया। अब इसको यहाँ फर्स्ट में, यहाँ पे आप ऐसे इसको निकाल के और साथ में ये देखिए फंसा दीजिए। ये धागे वाला क्रोशिया है, बहुत महीन होता है इसका। ये देखिए ये नोक, इसे बनाने में थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत होता है। इसको हाथ को संभाल के आप बनाइए, जो बनाती हैं बहनें वो आराम से बना लेंगी। अब हम इस, ये देखिए ये छोटा सा हमारा सर्कल बन गया। अब इसमें हम, ये देखिए सर्कल बन गया। अब हम इसमें 18 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 2 चेन ले लीजिए इस तरीके से। अब इसमें हम 18 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, ये 1, 2, इस धागे को साथ में फंसाते जाइए ऐसे। इस तरीके से हम, ये देखिए ये हो गया 3, 18 हम बना लेंगे। ये देखिए, ये मेरे 18 यानी 18 डबल क्रोशिया ये मैंने बना लिया है। अब यहाँ फर्स्ट वाले में, यहाँ पे आप इसको ऐसे डाल के इस तरीके से इसको फंसा लीजिए। ये देखिए हमारा 18 डबल क्रोशिया का ये सर्कल बन गया बीच का। अब 1, 2, 3, 4, 5 लिया मैंने। आपका हाथ अगर टाइट है तो आप एक और ले लीजिए, 6 के बाद देखिए यहाँ से ये हमने फंसाया, 1, 2, 3 के बाद ये ऐसे इसको फंसा दीजिए। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 फिर 1, 2, 3 के बाद आप इसको ऐसे, ये देखिए इस तरीके से ये मेरा 6 बनेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 फिर यहाँ से देखिए 1, 2, 3 ये ऐसे, फिर
1 2 3 ये देखिए, अब लास्ट वाला भी इसको यहाँ पे जहाँ हमने पहला वाला स्टार्ट किया था वहाँ पे इसको हम ऐसे फंसा देंगे। ये देखिए इस तरीके से ये मेरा ये ऐसे 6 बन गया। फिर 6 चेन लेंगे, अब इसके सेंटर में दोबारा से फिर यही करेंगे। ये मेरा 3rd रो है, सिक्स चेन, और इस तरीके से बिना धागा लिए इसको इस तरह से 3। ये थोड़ा लूज ही रहना चाहिए, बहुत टाइट नहीं होना चाहिए। अगर आपका ये टाइट होता है तो आप 6 की जगह 7 चेन कर सकती हैं, ये आप 7 चेन कर सकती हैं इस तरीके से। फिर हमारा 1 2 3 4 5 और ये 6 हो चुका है। अब हम देखिए, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए 1st रो, 2nd रो, 3rd रो। अब 4th रो में ये हमारा, ये देखिए हमारा जो ये पूरा होता जा रहा है, यहाँ से देखिए ये मैंने स्टार्ट किया है, यहाँ से मैंने पहला चेन स्टार्ट किया, फिर दोबारा यहाँ से स्टार्ट किया, और अब हमारा जो 3rd रो है ये देखिए इसको हम हमारा 1 2 3 4 5 6 छठा बन गया हमारा। इसको भी हम ये देखिए, अब ये यहाँ पे भी मेरा 1 2 3 4 5 और ये 6 बन चुका है। अब आप एक चेन लीजिए, यहाँ पे ये जो हमारा 1st वाला है ये यहाँ पे अब हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब सारे में हम इसी तरह से करेंगे। ये देखिए एक चेन लिया, अब फिर इस वाले में भी 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए 2 हुआ, इसी तरह से 4 और हम कर लेंगे। एक चेन लेंगे और 8 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये मेरे ये 6 पूरे हो गए। अब इसको यहाँ ये जो है 1st जहाँ से हमने बनाया था यहाँ पे इसको ऐसे बंद कर दीजिए। ये देखिए अब
ये देखिए ये वाला मेरा बन गया। अब हमको ये रो बनाना है, इसके लिए आप 1 2 3 4 5 पांच चेन दिया हमने। अब ये जो सेंटर इसका आएगा 1 2 3 4 यहाँ पे सेंटर, यहाँ पे हम 1 1 चेन पे, 2 1 चेन, 3 1 चेन और ये 4, ये हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया, बीच में 1 1 चेन। अब फिर 1 2 3 4 5, ये क्रोशिया का धागा, क्रोशिया और आपका हाथ डिपेंड करता है कि आपका ये कैसे बनेगा। तो आप ये ना सोचिए कि इसका साइज़ क्या है या इसका साइज़ क्या है, आपका हाथ जैसा है आप उस हिसाब से इसको बनाइए। ये देखिए इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। देखिए ये यहाँ पे 5 चेन के बाद ये जो हमने ये बनाया, इसके बीच का जो ये है यहाँ पे इसको ऐसे फंसा दीजिए। फिर 1 2 3 4 5, फिर सेंटर में देखिए ये जो हमारा है बीच का, यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और फिर 1 डबल क्रोशिया। ये देखिए ऐसे इस तरीके से ये हमारा सब में बनेगा, 5 चेन फिर ये सेंटर में। इस तरीके से फिर हम इसको सर्कल पूरा कर लेंगे। ये देखिए ये मेरा सारा बन गया। और लास्ट में भी 1 2 3 4 5 चेन लिया और यहाँ इस जो हमने ये स्टार्ट किया यहाँ पे इसको ऐसे फंसा देंगे ऐसे। फिर 1 2 3 4 5 5 चेन लेंगे। अब यहाँ हम ये जो हम लोगों ने ये 4 डबल क्रोशिया बनाया है इसके बीच में यहाँ पे ऐसे इसको कर लीजिए। अब यहाँ एक एक के बीच में हम ये देखिए ऐसे छोटा ही छोटा, पहले तो छोटा ही बनेगा, 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ पे इसको फिर इस तरह से बंद कर दीजिए। फिर सेकेंड वाले में भी इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, बस इसमें भी हम ये 4 बना लेंगे, 1 2 3 और ये 4। अब ये जो थर्ड वाला है इसमें इसको ऐसे बंद कर दीजिए, इसमें भी फिर हम 4 बना लेंगे। एक 2 3 और ये 4, ये देखिए और इसको यहाँ बंद कर दीजिए। इस तरीके से
ये रेशमी धागा है, थोड़ा सा फंसता है, ये देखिए ऐसे, देखिए। अब फिर एक दो तीन चार पाँच, पांच चेन लिया। अब ये जो है बीच का, इन दो, ये जो हमने बनाया है यहाँ से और यहाँ, इसके बीच में आप, या तो आप यहाँ भी कर सकती हैं यहाँ भी। तो आप इसको पहले, ये देखिए, पहले यहाँ करेंगे ऐसे, और नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ करिए ऐसे, ये देखिए, ये मेरा ये रो बन रहा है, ये देखिए ऐसे। तो या तो ये देखिए, इसमें ना समझ में आए तो ये वाइट वाले में देखिए, ये है तो बहुत पुराना, अगर आपको समझ में आए, देखिए ये वाली रो हम बना रहे हैं, ये एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर आपका हाथ टाइट है, तो जैसे मैंने ये पांच चेन लिया है, आप यहाँ पे छः सात ये लीजिए। अब यहाँ पे डायरेक्ट शुरू करिए, यहाँ बीच में कुछ मत करिए, यहाँ पे अब हम इसमें यहाँ ऐसे इसको फंसा लेंगे, ये देखिए, ये इन दोनों के बीच में ये। अब फिर इसमें भी हम वही करेंगे, एक दो तीन चार। अब यहाँ फर्स्ट वाले में ही इसको हम यहाँ पे ऐसे बंद कर देंगे ऐसे, फिर बीच वाले में भी चार बनाएंगे, दो तीन और ये चार, इसको भी यहाँ पे फंसा दीजिए, इसमें फंसाइए या इसमें फंसाइए, ये ऐसे कंगूरा जैसा आना चाहिए, ये एक दो तीन ये चार, इसको भी यहाँ पे हम ऐसे बना देंगे, ये देखिए। ये अगर आपका टाइट आए तो आप और एक्स्ट्रा चेन ले सकती हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात। फिर अब ये देखिए यही है यहाँ पे, तो अब यहाँ फर्स्ट वाले में फिर हम इसको ऐसे फंसा लेंगे, और इसी तरीके से हम इसको, ये छः फिर हमारा बन जाएगा, देखिए एक दो और इधर चार, ये छः हम इसको फिर बना लेंगे। ये देखिए ये मेरे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टोटल पूरे हो गए। अब फिर लास्ट में एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात चेन लेके यहाँ पे हम स्टार्टिंग वाला जो हमने यहाँ पे किया था, यहाँ पे इसको ऐसे फंसा देंगे। अब ये हमने चार चेन लिया इसके सेंटर में, अब हमको नई लाइन की शुरुआत करनी है, तो हम इसको बीच में इस तरीके से एक दो तीन चार चेन लिया। अब यहाँ पे देखिए सेंटर में, यहाँ हम एक
इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये यहाँ पे स्टार्टिंग है। अब आप यहाँ से ज़्यादा चेन लेना पड़ेगा, 3, 4, 5, 6, 7। सात लेने के बाद आप ये देख लीजिए, अगर यहाँ तक आपका इजी से आ जा रहा है तो ठीक है, नहीं आप एक और चेन ले सकती हैं। यहाँ अब हम ये जो इन दोनों डिजाइन के बीच का ये जो ये पोर्शन है, इसमें हम ये देखिए 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2 और ये 3। ये देखिए, अब यहाँ से फिर आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर आपको लगता है कि यहाँ तक आने में आपका ये खींच रहा है, ये अगर खींच रहा है, तो आप यहाँ से और यहाँ एक्स्ट्रा चेन भी ले सकती हैं, जैसा आपका हाथ है। अब यहाँ पे फिर हम सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ऐसे, ये जो तीनों था इसके बीच में, और जो ये है इसमें हम 3 करेंगे। ये देखिए, ये हुआ 7। अब यहाँ पे मैं 3 बनाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से इसको हम पूरा कर लेंगे, बीच में 1 और इसके बीच में ये देखिए इस तरीके से 3 ऐसे। ये देखिए, ये फिर हमारा पूरा हो चुका है। यहाँ पे मैंने फिर 7 चेन ले लिया है। अब जहाँ से हमने ये स्टार्ट किया था, ये देखिए ये सेंटर, यहाँ पे आप इसको ऐसे फंसा दीजिए। ये सर्कल पूरा हो गया इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से। अब फिर हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 चेन लेंगे, और ये जो हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया था यहाँ पे, इसके पहले यहाँ पे हम फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर यहाँ पे सेम चीज़, अगर आपको ये ज़्यादा लगता है अगर ये, तो आप इसको कम भी कर सकती हैं चेन, अगर ये ज़्यादा लूज नहीं होना चाहिए, ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। ये हमारा जो है, देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, ये यहाँ से ये बनाना, ये हमारा आके ये रो ख़त्म हो चुका है। अब हम इस वाले रो पे हैं, ये वाले रो पे देखिए ये, तो अब हम इसको इस तरीके से, अगर आपको ये लग रहा है कि ये ज़्यादा है तो बीच में आप इसको कम भी कर सकती हैं। यहाँ पे फिर हम दो तीन, ये देखिए इस तरीके से। अब ये जो हमारा ये सिंगल है, इसके किनारे किनारे हम एक एक डबल क्रोशिया करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये इस तरीके से। यहाँ पे 1 लीजिए, फिर यहाँ पे इस तरीके से, देखिए इसके अगल बगल बना है, यहाँ पे मैंने 1 लिया है। अगर आपको इसमें क्लियर नहीं होता तो आप यहाँ से टोटल 5-5 लेना शुरू कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं लग रहा है, तो यहाँ से ये जो हमने बनाया था ये फिर आपको हर जगह लेना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3 फिर 5, 1, 2,
तीन चार पांच चेन, फिर या तीन डबल क्रोशिया, एक दो तीन, फिर आप पांच ले लीजिए, एक दो तीन चार पांच, एक सिंगल डबल क्रोशिया, फिर पांच लीजिए, एक दो तीन चार पांच, फिर यहाँ पे एक सिंगल डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार पांच। अब यहाँ पे ये जो तीन वाला है इसके दोनों तरफ तीन तीन, जो एक है इसके दोनों तरफ एक एक, इस तरीके से हम ये पूरा सर्कल कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से, फिर एक दो तीन चार पांच, इसके बगल में, तीन, फिर एक दो तीन चार पांच। अब ये जो सिंगल सिंगल है इसके बगल में हम सिंगल सिंगल लेंगे, एक दो तीन चार पांच, इस तरीके से आप पूरी लाइन क्लियर कर लीजिए। देखिए ऐसे, देखिए मैं लास्ट में आ गई हूँ। तो फिर एक दो तीन चार पांच, ये जो यहाँ वाला था यहाँ पे भी हम दो करेंगे, ये सिंगल सिंगल, एक दो तीन चार पांच, फिर इसके बीच में सिंगल, फिर एक दो तीन चार पांच। अब ये देखिए, ये जो दो था इसके पहले ये हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे। अब इसको कहीं मत फंसाइए, ऐसे ही राउंड राउंड लेके बनाते जाइए। ये देखिए, एक दो तीन, फिर पांच चेन। अब इन दोनों के बीच में एक डबल क्रोशिया, फिर पांच चेन, एक दो तीन चार पांच। अब इसके यहाँ पे ये तीन, दो तीन, फिर एक दो तीन चार पांच चेन। अब देखिए, ये जो दो हमारा ये था सिंगल वाला, इसके बीच में सिर्फ एक बनाएंगे, फिर पांच चेन। अब यहाँ पे तीन, फिर पांच चेन, यहाँ पे एक, पांच चेन, ये तीन, पांच चेन, ये एक, ये तीन। इस तरीके से हम पूरी लाइन बना लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से। ये देखिए, ये लाइन मेरी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे
फिर वही एक दो तीन चार पाँच, ये देखिए तीन के पहले ये जो हमने ये बनाया था बीच में एक किया था, अब ये देखिए इसके पहले फिर हम तीन बनाएंगे, एक दो तीन फिर पांच चेन, अब इन दोनों के बीच में एक एक डबल क्रोशिया, फिर चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर चेन, और अब यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा यहाँ पे एक दो तीन चेन, ये फिर तीन, एक दो तीन, ये देखिए ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था, देखिए इसके किनारे दो बना, फिर ये ऐसे जाते जाते इधर से ये आके यहाँ पे ये बंद हो गया। इस तरीके से अब हम ये पूरी लाइन इसको बना लेंगे। देखिए अब ये हो गया, अब यहाँ पे हम इसको यहाँ और यहाँ ऐसे एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर चेन, देखिए अब इन दोनों के बीच में हम ये तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर पांच चेन, फिर तीन डबल क्रोशिया, एक दो और ये तीन, फिर पांच चेन, अब ये सिंगल सिंगल, ये देखिए अब एक तरह से देखिए तो ये दो बार हमारा तीन डबल क्रोशिया बन रहा है, दो बार सिंगल बन रहा है इस लाइन में। इस तरह से हम पूरा लाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए अब हमारी ये लाइन भी पूरी हो चुकी है। जैसा कि अभी तक हमने ये यहाँ पे ये दो और यहाँ पे ये दो बनाया, देखिए यहाँ से स्टार्ट किया था ये, अब यहाँ इस रो में भी मेरा ये दो बन चुका है। अब यहाँ पे मैं एक और बनाऊँगी, यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच के बाद यहाँ पे एक और बनाऊँगी। इस रो में ये जो हमारा ये यहाँ से आके यहाँ जुड़ गया है, यहाँ पे भी पांच चेन ले लीजिए। अब इन दोनों के बीच में हम चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए एक दो, एक चेन, फिर एक दो, फिर पांच चेन। अब इन के बीच में ये जो दो है यहाँ पे अब हमारा तीन सिंगल डबल क्रोशिया बनेगा। चेन हम पांच ले रहे हैं, आपको आपके हाथ के हिसाब से, अगर आपका हाथ लूज है तो आप कम भी ले सकती हैं और टाइट है तो आप ज़्यादा भी ले सकती हैं। देखिए इस तरीके से ये तीन डबल क्रोशिया हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे फिर वही, ये देखिए
एक दो, एक चेन, फिर एक दो, ये देखिए इन दो के बीच में ये चार डबल क्रोशिया और एक दो तीन सिंगल सिंगल इसके बीच में, ये पूरी लाइन हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। बीच में मैंने पांच चेन लिया है, आप इसमें कम ज़्यादा कर सकती हैं आपके हाथ के हिसाब से। ये देखिए यहाँ पे ये मेरी लाइन कंप्लीट हो गई है, ये बीच में चार और यहाँ पे इसका ये तीन तीन। अब यहाँ पे भी मैंने ये चार बना लिया है। अब एक चेन लेंगे और ये जो ये बीच का ये है स्पेस, इसमें हम एक दो तीन चार पाँच और ये छः, छः डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। अब इस वाले में भी एक दो तीन चार पाँच छः, एक चेन, एक दो तीन चार पाँच और ये छः, फिर एक चेन और फिर छः, एक दो तीन चार पाँच छः, एक चेन। अब ये हमारा बीच वाला आ गया जो हमने चार बनाया था। तो देखिए ये जो है पहला वाला, ये चेन इस पे ऊपर रहता है जो इस पे, ये यहाँ से एक, फिर इस चेन में से डाल के ऐसे दो, और ये जो हमारा बीच का है इसमें हम फिर से चार बनाएंगे, एक दो एक चेन, फिर तीन और ये चार, फिर ये जो है चेन इसमें डाल के एक दो, यानी कि ये छः छः और ये आठ, फिर एक चेन और ये फिर हम छः करेंगे, एक दो तीन पाँच और ये छः, फिर एक चेन, फिर एक दो तीन चार पाँच और ये छः। इसी तरीके से देखिए ये बाकी में हम छः छः और जो बीच में ये मेरा चार है यहाँ पे आठ, इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। ये देखिए ये इस तरीके से इतना पोर्शन हमारा बन गया है, जैसे ये इसी तरीके से ये अभी हमारा इतना पोर्शन बना है। इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं आपको इसे कई पार्ट में बताऊंगी क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। तो दोस्तों देखिए मुझे उम्मीद है कि ये इतना पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको आसानी से बना लेंगी। कि आप अपने मनपसंद किसी भी कलर में बनाइए, हर कलर में ये अच्छा लगेगा। ये धागा और हाथ के ऊपर निर्भर करता है। ये वाला कॉटन धागे से बना है इसलिए ये इस तरह से दिख रहा है, और ये जो है ये इस तरह के थ्रेड से बना है इसलिए इसमें थोड़ी सी शाइनिंग है, और ये
हाथ का अंतर आता है, आप इसको अपने हिसाब से बनाइए। इसमें ये अगर कहीं ढीला और टाइट होता है तो आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकती हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब आप इसको बनाएंगी और आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसके आगे के पार्ट्स में इसके और पार्ट्स ये बताऊँगी। धन्यवाद।